सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं खेल रहा स्ट्रीट गॉटेस एमपी का सीज़न 3 और आज हम ड्रैगन को मारने जाने वाले हैं। सो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि लिए मेरा बहुत सारा फाइल का क्लिप करप्ट हो चुका है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूँगा कि मैंने क्या क्या किया है। एट द लास्ट मैं एलेट्रा लेने जाता हूँ लेकिन मुझे एलेट्रा नहीं मिलता, मैं बहुत बार मर जाता हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ होता है कि मैंने एक बार अपना वर्ल्ड को 7 क्विट नहीं किया था, मैं डायरेक्ट ही मैं अपना ऐप क्लोज कर लिया था। तो यहाँ पर मेरा सामान पड़ा हुआ है और ये एक डीजे जो मेरे सामने खड़ा है उसने यहाँ पर रखा है। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि किसका सामान है, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि मेरा ही सामान है। सो पता नहीं कैसे आया, या तो मैं मर गया होऊंगा वर्ल्ड जब चल रहा होगा तब ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि लिए अपने आप तो सामान चेस्ट में नहीं रखा सकता। तो अभी तो मैं अपना सामान को यहीं पर छोड़ के जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ड्रैगन को मारने जाऊँगा तो मैं एक ना एक बार तो मर ही जाऊँगा। सो अभी हम यहाँ से हम जाते हैं अपने स्ट्रांग होल्ड के पास। तुम स्ट्रांग होल्ड के पास आ चुके हैं, यहाँ से मैंने एक पम्पकिन ले लिया था और मैं एक थोड़ा बहुत बैकअप आर्मर चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। सो अभी हम जाते हैं ड्रैगन को मारने। तो यहाँ पर ये गड्ढा खोद रहा है तो यहाँ से मैं ऊपर आ चुका था और अभी यहाँ पर ड्रैगन को हम सभी लोगों मारेंगे। तो मैं कुछ ना कुछ टाइवर्स तो रहे थे और अभी ड्रैगन मर चुका है। सो इससे मुझे मिला था 36 XP, उससे भी ज़्यादा मिला होगा शायद से। तो इससे मुझे कुछ XP मिला था। फिर मुझे चाहिए था एंडर चेस्ट बनाने के लिए कुछ आई एंडर पर्ल्स। सो मैंने टेक्नो गेमर टेक्नो डैश को बोला था कि मुझे एंडर पर्ल चाहिए, लेकिन उसने गलती से मुझे ही मार दिया। सो अभी मैं सारा अपना नेदर का सामान लेके आ चुका हूँ और मैंने एक आर्मर को पहन भी लिया है अभी तुरंत। तो वहाँ पर दो आर्मर थे और मेरे घर में भी एक आर्मर था डायमंड का। सो ये सारे आर्मर मैंने ट्रेड किए थे डीजीए के बेस से, चीकू गेमिंग के बेस से। तो वो लोग काफ़ी अच्छे, आप उनका चैनल का लिंक भी देख लेना। सो अभी मैं जा रहा था रेड करने एनसीटी में। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ एंडर पर्ल चाहिए था, तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत एंडर पर्ल कलेक्ट कर रहा था। तो मुझे काफ़ी बार एंडर पर्ल नहीं मिला था, एट द लास्ट इसने मुझे एंडर पर्ल दे दिया। सो अभी मेरे पास 2 एंडर पर्ल हो चुके हैं और अभी मैं उस जगह पर जाता हूँ एनसीटी। अभी हम आ चुके हैं तो मैंने कुछ कोरस फ्रूट जमा किया और मुझे कुछ और आई एफ एंडर चाहिए थे। तो अभी तो यहाँ पर मेरे साथ एक सीन हो जाता, मैं यहाँ पर मर जाता, एंडरमैन मुझे मार देता है। तो अभी मैं यहाँ पर मर जाता हूँ और मैं वापस से एंड सिटी में आ जाता हूँ एंडर पर्ल कलेक्ट करके। तो अभी यहाँ पर मुझे एंडर पर्ल मैन ने मार दिया था और अभी मैं वापस आया हूँ। सो अभी मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, इस जगह पर पैलेस ने किसी से जा कर रखा है जैसे कि पार्टी बना हुआ है। सो अभी यहाँ पर टेक्नो डैश को एक एंड सिटी मिलता है, तो वहाँ पर तो उसने पूरा लूट लिया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पर मर चुका था और मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। सो मैं एक और बार मर गया था और मैं अभी वापस नहीं जाने वाला था। सो मैंने सोचा क्यों ना हम स्ट्रांग होल्ड को ही थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ले, कोई लूट मिल जाए। तो मैं यहाँ से आगे थोड़ा बहुत जा रहा था तो यहाँ पर मुझे एक कहीं पर जॉम्बी विलेजर मिल जाता है। इससे पहले मैंने अपना स्पॉन सेट कर लिया था और मैं कुछ चीज़ें रख देता हूँ ताकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा सामान थोड़ा बहुत सेफ रहे। तो ये रहा जॉम्बी विलेजर। तो अभी आगे मुझे एक चेस्ट मिलता है, जैसे मैंने आर्मर ले लिया था और उसके अंदर आई ऑफ एंडर पर्ल भी था। सो अभी यहाँ से रोशनी आ रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत डिक करके देखा, तो यहाँ पर मुझे दिखा कि वो लोग यहाँ से आए होंगे स्ट्रांग होल्ड के अंदर। सो अभी मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करता गया, फिर मुझे सामने में एक लाइब्रेरी दिखी थी जो कि इस तरफ है। तो ये देखो, ये रहा हमारा एक लाइब्रेरी। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक बुक का शॉप खोलूँगा क्योंकि मेरे पास इतने सारे बुक्स अभी आ जाएंगे। सो इन सारे बुक शेल्फ को काटने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मैं आपको छोटा सा एक टाइम लैप्स दिखा देता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टाइम लैप्स।
तो इतने सारे बुक शेल्फ काटने के बाद मेरे पास बहुत सारे बुक्स हो चुके थे। सो मैंने तो सोच लिया था कि मैं बुक शॉप बनाऊँगा। फिर मुझे DGA ने बोला, यानी कि इंसेन हाइड्रा ने बोला कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते बुक शॉप खोलने का, क्योंकि उसके पास विलेजर्स थे जो कि बुक बेचेंगे और मेरे पास इतने सारे बुक्स एंचेंट करने के लिए। सो मैंने उसे हाँ बोल दिया और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉप एंड डिस्ट्रिक्ट दिखा दूंगा और मैं बुक शॉप खोलने वाला हूँ इंसेन हाइड्रा के साथ। सो इसके बाद मेरा सारा क्लिप डिलीट हो जाता है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरा सब अभी इसके बाद क्या क्या हुआ। सो मैंने बहुत सारे लोगों से कॉड पूछा तो वो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो फिर एट द लास्ट मुझे पता चला कि बिल्कुल पीछे ही स्ट्रांग होल्ड था, तो नेदर पोर्टल के सामने स्ट्रांग होल्ड था तो मुझे नेदर पोर्टल दिख गया था। तो फिर वहाँ से मैं नेदर में गया, अपना सारा सामान ले लिया, फिर मैंने एंडर चेस्ट बनाया, फिर मैंने उसके अंदर अपना सामान डाल दिया। मेरे पास सिल्टच एक ऑलरेडी भरा हुआ था, सो एंडर चेस्ट को मैं माइन कर सकता था, तो मैंने दो एंडर चेस्ट बना लिए और जितने भी बुक्स थे उन सभी को मैंने एक सेफली चेस्ट बना के रख दिया है। सो आज के इस वीडियो में मैंने यही सब किया था और मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, क्योंकि मेरा वीडियो का बहुत सारा फाइल करप्ट हो चुका है तो मैं नहीं दिखा सकता। सो अभी तो मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट गेमिंग एपिसोड में।